वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग लिनक्स कॉमन लाइन का जो लैब है वो वाला लैब करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग लैब को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि लैब स्टार्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा, तो इसीलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जब तक कि रेडी स्टेटस ना दिए तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो रेडी स्टेटस के लिए वेट करना होगा। जब तक ये स्टेटस रेडी ना हो जाए तब तक हम लोग मोबक्स लिंक को ऑन कर ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोग मेरा पिछली वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैं बोला है कैसे मोबक्स लिंक को कनेक्ट करना है। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखे है तो देख लेना है, और इस वीडियो में हम बोल देंगे कैसे वो वाला काम करना है। तो ये स्टेटस अभी तक रेडी नहीं हुआ, इसीलिए हम लोगों को वेट करना होगा। ओके गाइस, मेरा लैब रेडी हो गया, तो हम आगे क्या काम करते हैं। सो यहाँ डिटेल्स पे जाके हम लोगों को जो SSS की है ये वाला डाउनलोड कर लेना है। ये लैब टू लैब अलग होता है, सो एवरी SSS की हम लोगों को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर एक पब्लिक IP दिया है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके हम लोग मोबक्स टीम में जाएंगे उसको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर सेशन में जाके SSH को क्लिक करना है। हम लोग जो IP एड्रेस कॉपी किए थे वो वाला IP एड्रेस इधर डाल देना है, पेस्ट कर दीजिए। और एक यूज़र नेम देना है, जो आपको चाहिए वो दीजिए। हम इसको क्लिक करके EC2 यूज़र का एक नेम दे रहा है। इधर एडवांस SSH की में जाके सेटिंग्स में जाके यूज प्राइवेट की को चेक कर देना है। चेक करने के बाद वो जो हम लोग डाउनलोड किया है वो वाला फाइल को अपलोड करेंगे। ठीक है, देन ओके एक्सेप्ट, और मेरा मोबाइल स्ट्रीम कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमको लैब में जाके देखना पड़ेगा क्या बोला है इस लैब में। यहाँ पर सब बेसिक लिनक्स कमांड को रन करने को बोला है, हम लोग जानेंगे कैसे वो कमांड काम करते हैं। सो फर्स्ट जो कमांड दिया है Who am I, बेसिकली ये जो कमांड होता है ये चेक करते हैं कौन सा यूजर लॉग है, मतलब टू सी द करेंट लॉग्ड इन यूजर। सो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं कौन सा यूजर लॉग है। EC2 यूजर, सो हम लोग यूजर नेम EC2 दिया, तो हम लोग मतलब ये वाला जो यूजर है ये लॉग है। ओके, दूसरा कमांड क्या है, होस्ट नेम। होस्ट नेम होता है आपका कंप्यूटर का जो होस्ट नेम, मतलब होस्ट कर रहा है उसका नेम शो करेगा। तो चलिए उसको हम लोग करते हैं। आपका जो कंप्यूटर का होस्ट नेम है वो वाला दिखा रहा है। अपटाइम एक कमांड है, वो आपका कंप्यूटर का जो अपटाइम है वो दिखाता है कितना का। तो ये वाला कमांड भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए 3 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को बोलना है एक Who Age करके है, ये भी इंफॉर्मेशन ही देता है, मतलब डिटेल्स इंफॉर्मेशन देता है यूजर का, वो भी कर लेते हैं हम। देखिए ठीक है, मिल गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं डेट।
डेट कमेंट करेंगे, मतलब कौन इधर दिया है, अमेरिका का जो डेट है क्या है आज, वो देखने देखने को मिलेगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं ये वाला कमेंट चला के। उसका टाइम देख के आ गया, मतलब टाइम जोन है जो अमेरिका का। हम लोग इंडिया का भी देख सकते हैं, TZ, कैसे होगा TZ इक्वल टू इंडिया, देखिए इंडिया का भी दिखा दिया है। ऐसे TZ यूज करके आप लोग एक मतलब देश का नाम देख के उन देश का डेट पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों को बोला है करने के लिए कैलकमेंट। कैलकमेंट बेसिकली कैलेंडर दिखाता है। तो हम लोग देखते हैं एक बार चला के क्या मिलता है रिजल्ट। देखिए कैलकमेंट हम लोगों को आज का जो डेट वो दिखा दिया, बेसिकली कैलेंडर का फॉर्मेट में आता है। अगर आप सिंपली कैल यूज करेंगे वो भी हो जाएगा। अगर आप जूलियन कैलेंडर चाहते हैं तो KCAL-J देकर आप लोगों को जूलियन कैलेंडर भी दिखा देगा। ओके नेक्स्ट मंथ होता है, एक मंथ करके भी दिख सकते हैं। ये सेम है, सेम सब। कौन सा मंथ है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आईडी। आईडी होता है आपका जो यूजर आईडी है वो दिखाता है, आपका जो इंफॉर्मेशन यूनिक आईडी का वो आपको प्रोवाइड करता है। इस कमेंट से हम लोग वो देखेंगे, देखते हैं। देखिए एक ग्रुप जी आईडी मतलब ग्रुप आईडी, यूनिक आईडी आपने इधर 1000, सो सब डिटेल्स दिखाता है यूजर की। ओके सो नेक्स्ट है हिस्ट्री कमांड। अच्छा ये कमांड क्या करते हैं, अभी तक हमने जो जो कमांड यूज किया है उसका एक क्या बोलते हैं सामरी दे देंगे, क्या कौन सा कमांड था वो सीरियल में दे देंगे। ओके हम लोग कर देते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग हु एम आई यूज किया है, देन होस्ट नेम, तो अब तक जितने जितने कमांड हम यूज किए हैं वो वाला सब दे दिया है। तो हिस्ट्री कमांड से हम बेसिकली जो जो कमांड यूज किया है प्रीवियस में वो सब दे देंगे। ओके नेक्स्ट हम लोग डेट कमांड से भी डेट जान सकते हैं, ओनली डेट लिखकर, ठीक है। और एक और कमांड होता है डबल एक्सक्लेमेटरी साइन, वो वाला से पता चलता है जी आप मतलब कुछ देर पहले कौन सा वो कमांड यूज किया है, ठीक है। सो यही था इस लैब में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।